गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आज आप लोग की एग्रोनॉमी की क्लास नंबर 16 है, जिसमें हम बात करेंगे कल्टीवेशन ऑफ ग्राम यानी कि चने की खेती। तो चने की खेती के बारे में हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। जैसे पहले सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बॉटनिकल नेम से। तो चने का वैज्ञानिक नाम यानी कि बॉटनिकल नाम जो है साइसर एरेंटिनम है, जिसकी स्पेलिंग है CICER और एरेंटिनम की होगी ARIETINUM। ठीक है, साइसर एरेंटिनम हो गया और फैमिली इसकी है फेवेसी और ओल्ड फैमिली है लेग्यूमिनेसी। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है अदर नेम। तो हम चने को किस किस नाम से जानते हैं? तो हम चने को जो है चिप्पी नाम से जानते हैं, बंगाल पी के नाम से जानते हैं और हॉर्स पी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये इसके अन्य नाम हो गए, उपनाम हो गए। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट। मैंने यहाँ पे चने को दो भागों में बांटा है, वो इसलिए क्योंकि चना जो है दो तरह से होता है, एक देसी होता है एक काबुली होता है। जो देसी चना होता है ये ब्राउन कलर का होता है और जो काबुली चना होता है वो सफ़ेद कलर का होता है। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है देसी ग्राम / ब्राउन ग्राम, यानी कि देसी चने को हम ब्राउन चना भी कहते हैं और काबुली ग्राम / वाइट ग्राम, इसीलिए मैंने लिखा है यानी कि काबुली ग्राम / वाइट ग्राम, यानी कि काबुली चने को सफ़ेद चना भी कहा जाता है। ठीक है, अब देसी चने का बॉटनिकल नेम क्या है? वो यही है, साइसर एरेंटिनम ही है। और काबुली चने का वैज्ञानिक नाम जो है साइसर काबुलिकम है। ध्यान दीजिएगा, अगर पूछता है चने का वैज्ञानिक नाम तो आपको लिखना है साइसर एरेंटिनम, और देसी पूछेगा तब भी ये लिखना है, लेकिन जहाँ पे काबुली चने का वैज्ञानिक नाम पूछेगा तो आपको साइसर काबुलिकम लिख देना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्रोमोसोम्स नंबर की बात आती है, तो इसमें भी अलग अलग है क्योंकि देसी चना काबुली चना अलग अलग है। तो देसी चने का जो है 2N = 14 है और काबुली चने का 2N = 16 मैंने लिखा है इसीलिए। अब देखिए लिखा टेस्ट भार, टेस्ट वेट यानी कि परीक्षण भार, हिंदी में इसको बोलते हैं परीक्षण भाग। यानी कहने का मतलब ये है कि 1000 चना लेते हैं, 1000 चने के बीज को लेते हैं, तो उसमें से देसी चने का वेट 150 से 200 ग्राम आना चाहिए तो वो अच्छा बीज माना जाता है। ठीक है, जो हमें बुआई के योग्य माना जाता है। और वहीं टेस्ट वेट में 1000 चने का बीज अगर हम काबुली चने का लेते हैं तो वो 280 से 350 ग्राम होना चाहिए, तब वो अच्छा माना जाएगा। अब यहाँ पे डिफरेंट क्यों है? दोनों में दाने तो 1000 ही हैं, तो आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे 150 से 200 ग्राम, यहाँ पे 280 से 350 ग्राम, ऐसा क्यों हो रहा है? हाँ, सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि देसी चना यानी भूरा चना यानी ब्राउन चना वो छोटा होता है और वो लाइट वेट होता है यानी कम भार का होता है, क्योंकि जब छोटा होगा तो वो कम होगा। ठीक है, वहीं काबुली चना बड़ा बड़ा होता है और सफ़ेद कलर का होता है तो ये वेट ज़्यादा हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे 150 से 200 ग्राम या 280 से 350 ग्राम, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है डिस्टेंस। दोनों के डिस्टेंस भी अलग अलग ही होनी है। जैसे देसी चने की 30 × 10 सेंटीमीटर, 30 का मतलब है आपका रो टू रो, 10 का मतलब है प्लांट टू प्लांट की दूरी। ठीक, वहीं ठीक उसी प्रकार काबुली चने की दूरी जो है 45 सेंटीमीटर रो टू रो है, यानी पंक्ति से पंक्ति की दूरी है, और 10 सेंटीमीटर प्लांट टू प्लांट यानी पौधे से पौधे की दूरी है। ठीक है, अब सारा चीज़ नॉर्मल आ जाता है, जो देसी का होगा वही काबुली का भी होगा। ठीक है, तो हम ओरिजिन की बात करते हैं। तो इसका जो है साउथ वेस्ट एशिया यानी कि दक्षिणी पश्चिमी एशिया, ठीक है, इसका जन्म स्थान माना जाता है। कहने का मतलब है चने का उत्पत्ति स्थान कहाँ है? साउथ वेस्ट एशिया, ठीक, दक्षिणी पश्चिमी एशिया। ओके, नेक्स्ट आता है कि चने में प्रोटीन कितना पाया जाता है? तो चने में प्रोटीन 21% पाया जाता है, मैंने लिखा है यहाँ पे, देखिएगा। अब दूसरा आता है कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट जो है 61.3% आता है पाया जाता है। फैट जो है 4 से 10% पाया जाता है चने में। और इसमें कौन सी विटामिन पाई जाती है? तो ये विटामिन सी पाई जाती है। आपको पता है
इसमें ऑक्जेलिक एसिड या मैलिक एसिड पाई जाती है और चना का भूसा जो पत्ती थी खट्टा होती है, तो विटामिन सी खट्टे पदार्थों में ही पाई जाती है। तो चने में विटामिन सी अच्छी मात्रा में पाई जाती है, ठीक है। जैसे स्कर्वी रोग है, चने का बहुत अच्छा सलूशन है, चना खाने से वो दूर हो जाता है, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट क्लाइमेट। तो आपको जैसा कि पता है चना जो है रवि क्रॉप है, तो वहाँ पे जब रवि सीजन होता है तो मौसम ठंडा होता है, तो इसको जलवायु कैसी होगी, ठंडी एवं शुष्क जलवायु की आवश्यकता होगी, ठीक है। और नेक्स्ट है टेम्परेचर। तो इसके अंकुरण के लिए अच्छा टेम्परेचर, मतलब कितना टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, तो वो है 15 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हम 18-20 भी कर सकते हैं, कहने का मतलब 15 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड अच्छा तापमान होता है चने के अंकुरण के लिए, ठीक है। वहीं जब चना पकने लगेगा तो इससे ज़्यादा टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है सोविंग टाइम। तो इसका चने का बोने का सही समय जो है आपका है अक्टूबर माह है, आप 15 अक्टूबर से 15-30 अक्टूबर भी कर सकते हैं, ठीक है। ये अक्टूबर माह होता है। अब इसकी जो है मृदा कैसी होनी चाहिए, मृदा जो है पहली बात है चिकनी मिट्टी में भी हो जाती है, चिकनी बलुई दोमट मिट्टी में हो जाती है, और सबसे अच्छी दोमट मृदा मानी जाती है, लेकिन ढेले युक्त होनी चाहिए। देखिए आपका सोयल हो गया। अब आता है सोविंग टाइम। तो सोविंग टाइम में क्या है कि इसका चने की बुआई का अच्छा समय जो है, अच्छा समय क्या, ये चने के बुआई का समय अक्टूबर माह होता है। अगर हम प्रॉब्लम एक ये आती है, अगर हम चना जो है अगेती यानी अर्ली सोइंग टाइम कर लेते हैं, यानी कि समय से पहले या फिर अगेती बुआई करते हैं, तो जो है इसमें प्रॉब्लम ये है कि विल्ट रोग यानी कि सूखा रोग का प्रकोप बहुत ज़्यादा हो जाता है, यानी कि विल्ट रोग हो जाता है। लेकिन पछेती अगर हम इसे चने की जो है अक्टूबर 3rd वीक में बुआई करते हैं, लास्ट में बुआई करते हैं, उसमें जो है आपका फली छेदक कीट का प्रकोप अधिक होता है। दोनों कंडीशन में दिक्कत है, अगर आप अर्ली करते हैं या लेट करते हैं, दोनों में। अर्ली करेंगे तो क्या होगा, आपका विल्ट रोग हो जाएगा और यानी सूखा रोग, और लेट करेंगे तो आपका फली छेदक कीट का प्रकोप का खतरा बढ़ जाता है, ठीक है। अब ये हो गया सोविंग टाइम हो गया। अब आता है नेक्स्ट सीड रेट। सीड रेट यानी कि दो तरह के चने होते हैं, मैंने आपको बताया, एक होता है देसी चना, एक होता है काबुली चना। तो देसी चने के लिए आपको 80 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होगी, वहीं काबुली चने में 100 से 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अब आप यहाँ भी पूछेंगे कि जो है ये ज़्यादा क्यों हो रहा है, तो ज़्यादा होने का रीज़न मैंने आपको बताया कि काबुली चना बड़ा होता है और देसी चना छोटा होता है, इसी वजह से, और कोई रीज़न नहीं है। अब नेक्स्ट आता है सीड ट्रीटमेंट। तो सीड ट्रीटमेंट में क्या है, मैंने आपको FIR दिया है। तो FIR FIR नहीं है, FIR का मतलब है यहाँ पे F से फंगीसाइड, फंगीसाइड की हिंदी होती है कवकनाशी, ठीक है। I से होता है इंसेक्टिसाइड यानी कि कीटनाशी, और R से होता है राइजोबियम कल्चर, जो जीवाणु खेत में डालते हैं, ठीक है। इसके द्वारा कवकनाशी में एक दवा आती है वाविस्टीन, और कीटनाशी में जो है क्लोरोपाइरीफास होता है, और राइजोबियम में राइजोबियम कल्चर होता है, ठीक है। इसके द्वारा हम बीज को शोधन करते हैं या सीड ट्रीटमेंट कर लेते हैं बुआई से पहले, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है इरिगेशन। पहली बात तो चने की खेती के लिए आपको बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है, आप जान लीजिए इसको, और लेकिन फूल आते समय जो है सिंचाई या नमी खेत में होनी चाहिए, यानी कहने का मतलब क्रांति अवस्थाएं दो हैं, एक तो फूल आने के बाद, हम मैंने आपको मटर में बताया था कि जो है जब पहली सिंचाई कब करते हैं, जो है आपकी यहाँ पे गलत है, फूल आने के बाद, ठीक है, फूल आने के बाद, पहली सिंचाई फूल आने के बाद ही करनी है, और मटर में फूल आने के पहले और चने में फूल आने के बाद। तो पहली सिंचाई है फूल आने के बाद, दूसरी सिंचाई है फलियां बनते समय, ठीक है, आपको कर देनी है। एक चीज़ हम आपको बता रहे हैं इसमें, मैंने आपको मटर की खेती में नहीं बताया था, कल्टीवेशन ऑफ पी में नहीं बताया था कि दाल को जो है क्वींस ऑफ पल्सेज भी कहा जाता है, यानी कि दालों की रानी, मटर को दालों की रानी भी कहा जाता है। और वहीं
किंग ऑफ पल्सेज, तो जो है चने को दालों का राजा कहा जाता है। ठीक है, क्लियर है। अब आता है वीड कंट्रोल। तो चने में खरपतवार नियंत्रण कैसे करेंगे? तो चने की फसल में पहली बात बुआई के लगभग 30 से 35 दिन के अंदर निराई गुड़ाई की ज़्यादा आवश्यकता होती है। खेत में खरपतवार नहीं उगने देना चाहिए, क्योंकि जब चना जो है चने का पौधा बड़ा हो जाएगा फिर जो है खरपतवार वो अपने आप ही दबा देगा। ठीक है, लेकिन रासायनिक विधि द्वारा कैसे करेंगे कंट्रोल? तो वो है वैसिलिन की 2 किलोग्राम मात्रा को 1000 लीटर पानी में मिलाकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए। ठीक है, क्लियर है। इतना हमारा कंप्लीट होता है। जैसे बॉटनिकल नेम पहला हो गया, फैमिली हो गया, ओल्ड फैमिली हो गया, अदर नेम हो गया, अदर नेम में आपको मैंने बताया था चिक पी हो गया, बंगाल ग्राम हो गया, हॉर्स ग्राम हो गया, और चना को ग्राम तो कहते ही हैं। ठीक, और मैंने ग्राम में 2 कैटेगरी था, देसी और काबुली, मैंने उसके बारे में बताया, ओरिजिन बताया, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट फैट विटामिन सी इत्यादि सारी चीज़ों में बताया। इसके बाद देखते हैं क्या आता है। देखिए नेक्स्ट आता है प्रमुख प्रजातियाँ। इसमें नंबर 1 पे है समय से बुआई के लिए जो वैरायटी हैं जो समय से बोई जाती हैं उनमें है पूसा 256, अवरोधि, सूर्या, सद्भावना, सम्राट, आलोक, चमत्कार, पंतजी 10 इत्यादि। ये सब जो सारी वैरायटी जो हैं आपकी समय से बुआई के लिए हैं। और दूसरी आती है विलंब से बुआई के लिए, यानी कि जो देर में बोई जाती हैं या अक्टूबर लास्ट में बोई जाती हैं, वे हैं सूर्या, पंतजी 136, बीजी 372, उदय, बल्लभ, कल्चर चना इत्यादि। ये सब कौन सी वैरायटी हैं जो देर से बोई जाती हैं। ठीक है, अब इसमें आता है काबुली चने। तो जो काबुली चना होता है उसकी वैरायटी का नाम क्या है? पूसा 264, पूसा चमत्कार, L555, पूसा 1003, प्रगति, सदाबहार इत्यादि। ये सब कौन सी हैं वैरायटी? काबुली चने की वैरायटी हैं। अब देसी चना देख लेते हैं। तो देसी चना जो है C214, पंत चना 186, पंत जी 144, पूसा 212 इत्यादि। ये सारी वैरायटी जो हैं आपकी देसी चना की हैं। और अदर वैरायटी जो हैं अन्य जातियाँ देखते हैं कौन कौन सी हैं। K468, K850, Type 31, गिरनार, कैलाश, अजय, अतुल इत्यादि। ये सारी जो हैं अन्य वैरायटीज थी, अन्य जातियाँ थी। अब आता है नेक्स्ट डिजीज कंट्रोल, यानी कि रोग नियंत्रण। इसके लिए क्या करेंगे हम? सबसे पहला है उकठा रोग, जो खतरनाक होता है। मैंने आपको बताया था उकठा रोग कब होता है? जब चना जो है समय से बो दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि अर्ली जो चना बोया जाता है उसमें उकठा रोग का प्रकोप बढ़ जाता, ज़्यादा होता है। चलिए देखते हैं इससे क्या होता है, सिम्टम्स क्या हैं उकठा रोग के। पहले पत्तियाँ काले रंग की दिखाई देती हैं, बाद में पीले रंग की हो जाती हैं। पहले काले रंग की दिखाई देंगी फिर बाद में पीली हो जाएंगी। ये अगर ऐसा हो रहा है तो वो उकठा रोग है। ठीक, अब इसके रोकथाम के लिए क्या करेंगे? पहली बात तो मैं आपको बताया था रोगरोधी किस्म उगाएं। जैसे अवरोधी जो है, अवरोधी ये जो है उकठा रोग की रोगरोधी किस्म है। और जो है रोगी पौधों को जला दें या ज़मीन में दबा दें। तीसरा है बीज को उपचारित करके बोएं और फसल देर से उगाएं। मैंने आपको बताया पहले उगाएंगे तो विल्ट का प्रकोप होने का भय ज़्यादा रहेगा, डर ज़्यादा होगा। अब नेक्स्ट आता है गिरोई या रतुआ या रस्ट। ये जो है फफूंद के कारण लगने वाला रोग है। इस रोग के कारण पत्तियों पर काले भूरे रंग के धब्बे पड़ जाते हैं, जिससे पत्तियां सूखकर गिर जाती हैं। यानी कि इन गिरोई से इन्फेक्टेड जब हो जाएंगी तो फिर वो सूखकर गिर जाएंगी। पहले तो काले रंग की रहेंगी, फिर भूरे धब्बे पड़ जाएंगे, फिर बाद में सूखकर गिर जाएंगी। ठीक, फिर से देखते हैं, यह फफूंद के कारण लगता है। इस रोग के कारण पत्तियों पर काले भूरे रंग के धब्बे पड़ जाते हैं, जिससे पत्तियां सूखकर गिर जाती हैं। और इसका उपचार क्या है, इसका रोकथाम क्या है? सेम वही है जो उकठा रोग में था। ठीक है, चलिए क्लियर है। नेक्स्ट है चने का कंडुआ रोग। चने का कंडुआ रोग जो है या पौधों में जो है रात के समय, जब रात होती है तो इसके जो मतलब रोग है या रोग जो है पौधों को तने को खाकर 75% तक नुकसान पहुंचाता है। ठीक, यह पौधों पर रात के समय आक्रमण करता है, पौधों के तनों को खाकर 75% तक नुकसान पहुंचाता है। इसका सलूशन क्या है, रोकथाम क्या है? तो देखते हैं, 5% एल्ड्रिन या
5% एल्ड्रिनिया, 3% लिंडन धूल का 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर भूमि में डालकर मिलाना चाहिए। ठीक है, यानी कि बुवाई के पहले जो है हम 5% एल्ड्रिनिया, 3% लिंडन धूल को 25 किलोग्राम की मात्रा को प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मिला दें भूमि में। ठीक, अब नेक्स्ट आता है पेस्ट कंट्रोल, यानी कि कीट नियंत्रण। कीट नियंत्रण आपका क्या है, सबसे पहले आता है चने का कटुआ रोग, यानी कि यह जो है चने का सबसे खतरनाक कीट माना जाता है। चने का कटुआ कीट में क्या है, इस कीट की सुइयां रात के समय पौधों को जमीन से काटकर गिरा देती हैं। ठीक, ये लिखा है इस कीट की सुइयां रात के समय पौधों को जमीन की सतह से काट कर गिरा देती हैं या काट देती हैं। ठीक, इसकी रोकथाम के लिए क्या है, बुवाई से पहले 2% मिथाइल पैराथियन धूल का 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से भूमि में मिलाना चाहिए। ये भी बुवाई के पहले है। ठीक, अब आता है फलीवेदक कीट। फलीवेदक कीट जैसे मैंने आपको मटर में भी बताया, अरहर में भी बताया, सारी चीज़ों में लगता है, तो ये जो होता है पौधों फलियों के अंदर घुस जाता है छेद करके और अंदर अंदर फलियों को खोखला कर देता है और फिर उत्पादन को बहुत भयानक उत्पादन घटता है, इससे बहुत नुकसान होता है। ठीक है, इसका क्या है सोल्यूशन, हम इसके पहले हम आपको इंडोसल्फान बताए थे जो कि भारत सरकार द्वारा बैन कर दिया गया है, वो अब नहीं डालना चाहिए। उसके लिए देखिए इसका सोल्यूशन है, उसकी जगह आ गई है मोनोक्रोटोफास 40 EC, यानी मोनोक्रोटोफास इसकी रोकथाम के लिए है। मोनोक्रोटोफास 40 EC 1 लीटर प्रति हेक्टेयर को 800 से 1000 लीटर पानी में घोलकर फली आते समय छिड़काव करें। ये क्या है, फलीवेदक है, तो जब फलियां लगने लगें तो जो है मोनोक्रोटोफास 40 EC को या 1 लीटर मोनोक्रोटोफास 40 EC को 800 से 1000 लीटर पानी में घोलकर फली आते समय छिड़काव करें। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हार्वेस्टिंग टाइम। तो चना जो है मोस्टली ये मार्च के पहले ही वीक में पककर तैयार हो जाता है। ठीक, इसलिए मैंने मार्च लिख दिया। अब आता है यील्ड, यानी उपज। जो उपज है इसकी देसी चने की 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है और काबुली चने की 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। और चने के बारे में मैं आपको बताऊं तो चना जो है, चने को कैसी भूमि चाहिए, मैंने आपको बताया था ढीलेदार, जितना ढीला होगा, ढीलेदार ज़मीन होगी उतना अच्छा चने का पेड़ होगा, हष्टपुष्ट होगा और चना फलीदार होगा। अब चने को क्या करते हैं, पहले अपने यहाँ तो जो है चना जब 20 सेंटीमीटर से ऊंचे पौधे का हो जाए या 20 सेंटीमीटर का हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए, आप भेड़ बकरी को चने के खेत में छोड़ दीजिए। तो उससे क्या होगा, जब वो ऊपर ऊपर की जो फलियाँ शाखाएँ खा जाएंगी तो जब नई शाखाएँ निकलेंगी तो वो ढेर सारी निकलेंगी और ज़्यादा फलियाँ होंगी। इस वजह से चने को एक से दो बार जो है ज़रूर खिला मतलब तोड़ देना चाहिए। अपने यहाँ तो अगर किसी की बकरी अगर चली जाती है तो यहाँ पर लाठी चल जाती है, लेकिन जहाँ बड़े बड़े फार्म हैं वहाँ पर भेड़ और बकरी छोड़ दी जाती है जिससे वो फलियों को खा जाएँ। ठीक है, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता, यहाँ पर बहुत ज़्यादा अगर आदमी ही खाते हैं तोड़ के उसको चने का साग खाते हैं और चना का हरा साग ऐसे भी खाते हैं चटनी बना के ना। चलिए, और चने को दालों का राजा कहा जाता है, मैंने आपको बताया था किंग्स ऑफ पल्सेज, यानी कि चना जो है दालों का राजा है और वहीं जगह मटर जो है आपकी दालों की रानी थी। ठीक है, और मैंने आपको बताया जो चने को काट दिया जाता है ऊपर से तोड़ दिया जाता है तो उसी को निपिंग कहते हैं या टोपिंग कहते हैं। ठीक है, अगर कोई पूछता है निपिंग क्या है तो वो किस फसल में होती है, तो चने के खेत में होती है, चने की फसल में होती है। ठीक है, तो हमारा कल्टीवेशन ऑफ ग्राम या चिकपी या हॉर्स ग्राम या बंगाल ग्राम, यानी कि चने की खेती फाइनली ख़त्म होती है हमारी। तो आज के दिन सिर्फ इतना ही।